हम लोग तो 6 साल के नौकरी कर रहे हैं, हम लोग भीख मांग रहे हैं, हम लोग को भीख मांगा बना दिए हैं। ये कि अगर शिक्षा मंत्री के पास जाइए तो एसीएस के पास बोले, एसीएस बोले शिक्षा मंत्री, कोई चीज क्लियर नहीं हो रहा कि आखिर में ऐसा क्यों किया जा रहा है। हम लोग अतिथि शिक्षक है मैडम, और 6 साल से हम लोग पठन पाठन 12th class में किए हैं और लगातार घंटी किए हैं, और कहते हैं कि हम विकास पुरुष हैं। जिस राज्य में शिक्षक रोड पर भीख मांग रहा हो, उस विकास का बात करना बेईमानी की बात है। और नेतागिरी नेता लोग इस बात को नहीं समझते हैं, वोट मांग रहे हैं बिहार से, और सभी राज्य के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अतिथि शिक्षक जो 6 साल से लगातार पठन पाठन किए हैं, विकास की बात कर रहे हैं, आप विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष के नाम से जाने जाइएगा। और बिल्कुल नहीं, डर किस बात का है, हम लोग तो 6 साल के नौकरी कर रहे हैं, हम लोग भीख मांग रहे हैं, हम लोग को भीख मांगा बना दिए हैं, डर किस बात का है, आप ही बताइए डर किस बात का है। जब हम लोग बेरोजगार हो गए हैं तो डर किस बात का है। हम लोगों को 60 साल के लिए नियमित कीजिए। काम कहाँ किए हैं मैडम, हम लोग काम किए रहते तो रोड पर रहते, हम लोग रोड पर क्यों हैं, क्यों हैं रोड पर, आप ही बताइए हम लोग रोड पर क्यों हैं। राजेश कुमार सिंह, गोपालगंज। प्रसून कुमार पटेल मेरा नाम है हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं 6 साल से काम कर रहा था और लास्ट में मार्च में मेरा नौकरी चली गई, और कहने का मेरा मतलब यही है कि हम लोगों ने सरकार के साथ कभी भी कॉपी चेक हुआ, इलेक्शन हुआ, हर एक चीज हमेशा साथ दिया गवर्नमेंट का। जब 3.5 लाख नियोजित शिक्षक काम नहीं कर रहे थे तब हम लोगों ने कॉपी उस समय कंडीशन में चेक किया था। मैम इवन हम लोग चेक जब वहाँ पे शिक्षा मंत्री जी से मिलने गए तो उन्होंने बोला कि एसीएस से मिला, एक बिहार के शिक्षा मंत्री जी होके वो बोले कि एसीएस से मिलिए, वो बिहार के, मतलब कि कहीं ना कहीं आप ये चीज़ को आप समझ नहीं है कि अगर शिक्षा मंत्री के पास जाइए तो एसीएस के पास बोले, एसीएस बोले शिक्षा मंत्री, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रहा कि आखिर में ऐसा क्यों किया जा रहा है। अगर हम लोगों को फिर से आप अपनी जगह पे नहीं बुलाते तो हम लोग कहाँ जाएं? आज हम लोग आज इस समय पे हम लोग स्कूल में रहते हैं और इस समय हम लोग रोड पे बैठ के अपनी नौकरी की भीख मांग रहे हैं क्यों? अगर गवर्नमेंट हम लोग के पक्ष में होती तो हम लोग आज यहाँ पे होना होता क्या? आज हम लोग किसी बच्चों को शिक्षा दिए रहते आज का हम लोग ऐसा लग रहा है कि हम लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, हम लोग कहीं के नहीं है। आखिर में अगर नहीं रहता तो आप कभी भी स्कूल में एक बार आप जाके फीडबैक देख सकते हैं कि बच्चों से फीडबैक ले सकते हैं कि हम लोगों ने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, क्या है क्या नहीं है। आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग उस उम्मीद में है कि हम लोग किसी भी कीमत पे हम लोग को लाभ ले सरकार जिस तरीके से ले, हम लोग हर एक चीज में हमेशा किसी भी टर्म एंड कंडीशन के साथ खड़े होने के लिए हम लोग एग्री हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। 25 में चुनाव, हम गवर्नमेंट से यही नीति सरकार से कहेंगे कि हम लोग किसी भी काइंडली हम लोगों को रखे अपने जगह पे। विकास पुरुष कहते हैं तो आप देख लीजिए कि उस विकास पुरुष के होने के बावजूद हम लोग कहाँ पे हैं। आप दूसरे राज्य के लोगों को नौकरी दे रहे हैं और अपने अपने राज्य के लोग अनएम्प्लॉय हो रहे हैं क्यों? आखिर बताइए कि अगर आप सब कोई अपना सोचता है, पहले घर भरेगा तब तो बाहर भरेगा, लेकिन नीतीश कुमार अपने घर के लोगों को बेघर कर रहे हैं और दूसरे घर के लोगों को बेघर का लोगों को घर दे रहे हैं। बताइए कहाँ कहाँ का नियम है? ये बात सही है, हम लोगों को नौकरी लेने का हक नहीं है, हम लोग बस कैसे कैसे घर परिवार चलता है, घर का सपोर्ट नहीं हो तो हम लोग और भी एक रुपये खाने के लिए तरस जाए हम लोग। मैम हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि नीतीश सरकार, हम लोग हम हमेशा उनके साथ थे और साथ हैं और साथ रहेंगे, कृपया हम लोगों को फिर उसी जगह पे रखने का कष्ट करें। उम्मीद भी है और ये कोई नहीं कर सकता, वही करेंगे, जब करेंगे तब वही करेंगे।